तो चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो बीएड एवं डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच टीएलएम पे चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं टीएलएम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसको कैसे बनाते हैं, एक एक करके सबको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, टीएलएम। इसको फुल में हम क्या लिख सकते हैं, फुल फॉर्म इसका टीएलएम को लिख सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होगा फुल फॉर्म इसका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका हिंदी हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। इसका हिंदी हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। अब आइए शिक्षण सहायक सामग्री कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, सामग्री क्या हो जाएगा, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम किसी भी यानी शिक्षा को देखकर प्राप्त करते हैं, यानी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा हम शिक्षा को हम क्या करते हैं, देखकर ग्रहण करते हैं। जैसे में यहाँ हो जाएगा मानचित्र, हो जाएगा ग्लोब, हो जाएगा फिर उसके बाद हो जाएगा अखबार पत्र बोलो या समाचार पत्र। फिर उसके बाद दो नंबर में हो जाएगा श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। क्या हो जाएगा, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक सामग्री। अब देखिए जिसमें हम लोग यानी किसी भी शिक्षा को सुन कर प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेडियो, हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, हो जाएगा। अब आइए तीन नंबर में क्या हो जाएगा, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक सामग्री यानी वैसे सामग्री जिसमें हम लोग शिक्षा को देखकर और सुनकर प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत आ जाएगा कंप्यूटर को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, टेलीविजन। फिर इसके बाद हो जाएगा चलचित्र इत्यादि। तो ये मेरा क्या रहा है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री के टाइप। तो आइए अब मैं इसका क्या उपयोग है इसके बारे में जानूंगा। तो सबसे पहले टीएलएम जो हम लोग तैयार करते हैं वह किसी भी टॉपिक पे हम लोग तैयार कर सकते हैं, वह चाहे टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से हो। यानी कहने का मतलब टीएलएम के माध्यम से हम लोग बच्चों को इजी वे से किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी टीएलएम जो होता है बच्चों को किसी भी टॉपिक को आसान बनाता है, यानी बच्चों के लिए किसी भी टॉपिक को आसान बनाता है। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए खुद से
मैथमेटिक्स TLM तैयार किया हूँ जो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसके साथ बहुत सारे TLM भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा जो हर सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए अभी मैं आप लोगों को मैं खुद के द्वारा निर्मित TLM दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं एक एक करके और सब्जेक्ट का TLM भी दिखाऊंगा। तो चलिए अपने हैंड से एक TLM तैयार किया हूं जो आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूं। तो देखिए ये क्या है, मैथमेटिक्स TLM यानी शेप 2D एंड 3D, यानी यहाँ इधर 2D वाले कुछ शेप है, इधर क्या है 3D शेप वाले कुछ फिगर हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी भी बच्चा को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट नेम रख के हम क्या करेंगे, बच्चा को बताएंगे तो उसको कम समझ में आएगा, और इसको जब हम मैं फिगर के माध्यम से उस बच्चा को यानी TLM के माध्यम से उस बच्चा के सामने रखूंगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्या है, ट्रायंगल है, तो बच्चा के सामने हम डायरेक्ट ट्रायंगल का फिगर रखेंगे तो बच्चा जल्दी से क्या करेगा, समझेगा। वैसा ही यहाँ क्या है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे हमने ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज लिखा है, फिर रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ लिखा है, ऐसा ही ऑल का मैंने मेंशन किया हूँ। तो ये क्या रहा मेरा मैथमेटिक्स TLM। तो यहाँ पे मैंने खुद से आर्ट्स भाई संदीप कुमार, तो इसको आप लोग देख लीजिए और ऐसा ही आप लोग भी TLM बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अभी मैंने आप लोगों को अपने द्वारा यानी खुद से निर्मित मैथमेटिक्स TLM को दिखाया हूँ। तो इसके बाद मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों के द्वारा बनाए गए TLM को एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो एक वीडियो क्लिप के द्वारा आप लोगों के सामने दिखाई देगी वीडियो में। तो उसको एक एक करके आप लोग देखिएगा कि उस TLM को कैसे बनाया गया है। तो चलिए कैसा लगा मेरे दोस्तों के द्वारा बनाया गया TLM। अगर TLM अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे इन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।